हेलो दोस्तों, तो एक नई वीडियो। आज हम बात करेंगे इंडिया और इंग्लैंड के टेस्ट मैच के ऊपर, जो पांचवा टेस्ट मैच बर्मिंघम में खेला गया। डिटेल में बात करेंगे कि इंडिया ने कहां कहां गलतियां की और इंग्लैंड ने कहां कहां इंडिया को आउट क्लास किया। ठीक है, तो पहले इंग्लैंड ने टॉस जीता और इंग्लैंड ने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। इंडिया ने अपने पहले इनिंग्स में बनाए 416 रन, जिसमें पंत ने 146 रन की इनिंग्स खेली और जडेजा ने 104 रन की इनिंग्स खेली। कमाल की बॉलिंग करवाई, जिमी एंडरसन ने 5 विकेटें मिली और कोई बॉलर जो है खातिर खा बॉलिंग ना करवा सका। और मैथ्यू पॉट को 2 विकेटें मिली, ठीक है, जिसमें बुमराह ने आखिर में आकर स्टुअर्ट ब्रॉड की सही पिटाई की और 35 रन मारे आखिरी ओवर में। ठीक है, जब इंग्लैंड की बैटिंग है, इंग्लैंड का कोलैप्स हुआ, जिसमें बेस्टो ने इंग्लैंड को सहारा दिया और बेस्टो ने 106 रन की इनिंग्स खेली और साथ साथ सैम बेलिक्स ने 36 रन बनाए। और एक कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई बिटवीन जॉनी बेस्टो एंड विराट कोहली, ठीक है, जिसमें सिराज को 4 विकेटें मिली और बुमराह को 3 विकेटें मिली। इंडिया जो है मेरे ख्याल से 250 या 150 रन अहेड था और फिर इंडिया की बैटिंग आई और इंडिया का एक सर्टन कोलैप्स हुआ, जिसकी वजह से इंडिया जो है 245 रन पर देर हो गई, जिसमें पुजारा ने एक 66 रन की लंबी इनिंग्स खेली और ऋषभ पंत ने पहले मैच में भी 150 रन की इनिंग्स खेली और इस मैच में भी ऋषभ पंत ने 57 रन बनाए और काफ़ी अच्छी बॉलिंग करवाई कप्तान बेन स्टोक्स ने, क्योंकि बेन स्टोक्स ने पहले मैच में भी एक पुअर शॉट मारी, जिसकी वजह से बेन स्टोक्स जो है 36-35 रन पे आउट हो गए, जिसमें और बेन स्टोक्स ने दूसरी इनिंग्स में 4 विकेटें ली और साथ में मैथ्यू पॉट ने जो न्यूजीलैंड के खिलाफ भी अच्छी बॉलिंग करवाई और इंडिया के खिलाफ भी उनने इन एंड आउट 4 विकेटें ली। जब इंग्लैंड की बैटिंग आई, इंग्लैंड को राउंड अबाउट 378 रन या 379 का टारगेट मिला। इंग्लैंड की तरफ से वन एंड ओनली जो रूट ने कमाल की पारी खेली और जो रूट ने बनाए 142 रन और साथ साथ जॉनी बेस्टो ने भी कमाल की बैटिंग की। पहले इनिंग्स में भी 5th सेंचुरी मारी और दूसरी इनिंग्स में भी सेंचुरी मारी और जॉनी बेस्टो ने 114 रन की नाबाद इनिंग्स खेली और इनके दरमियान 250 रन की पार्टनरशिप लगी और ये मैच इंग्लैंड ने 7 विकेटों से जीत लिया और बुमराह को 2 विकेटें मिली और किसी बॉलर को भी कोई विकेट ना मिली और ये सीरीज 2-2 ड्रॉ हो गई और मैन ऑफ द सीरीज का खिताब मिला वन एंड ओनली जो रूट को, क्योंकि जो रूट ने 5 टेस्ट मैच में कमाल की पारी खेली और पिछला साल हम सबको पता है जो रूट का कमाल था। जो रूट मोहम्मद यूसुफ का रिकॉर्ड तोड़ सकता था, लेकिन कुछ सर्टन रन की वजह से मोहम्मद यूसुफ का रिकॉर्ड आज भी बरकरार है और मैन ऑफ द मैच मिला वन एंड ओनली जॉनी बेस्टो को, जिनने 106 और 114 रन की नाबाद इनिंग्स खेली। और बुमराह जो थे इंडिया के कप्तान थे और बुमराह से अकॉर्डिंग टू मी कप्तानी नहीं हुई और बुमराह को चाहिए कि अपनी बॉलिंग पे कंसंट्रेट करे और विराट कोहली को अपने टेम्परमेंट पे थोड़ा सा कम कंट्रोल करना चाहिए। और इंडिया के कुछ प्लेयर्स भी बाहर हो गए थे कोविड की वजह से, जिनमें उनके कप्तान रोहित शर्मा भी शामिल थे और जिसकी वजह से इंडिया को कमाल का धचका लगा और इंग्लैंड ये मैच जीत गया। इंग्लैंड के लिए कुछ भी नहीं था, हारो या जीतो, क्योंकि इंग्लैंड जो फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकता था, लेकिन इंडिया के लिए ये मैच डू एंड डाई था और इंडिया ये मैच हार गया और सीरीज ड्रॉ हो गई। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।